थैंक यू सर। सर अभी अर्बन में जो हाउसिंग जो बन रहा है, अभी मंत्री साहब ने बताया एक रूम और एक किचन एक टॉयलेट हम लोग बना के दे रहे हैं बोल के। तब हम लोग तेलंगाना में अर्बन का इश्यूज को देखने के बाद, पॉपुलेशन के इश्यूज को देखने के बाद, एक फैमिली अगर एक रूम में रहने के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए हम लोग जो है ना डबल बेडरूम का जो है हम लोग हाउस बना रहे हैं। डबल बेडरूम, एक एक हॉल और दो 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 जो है ना बाथरूम का साथ हम लोग जो इसको बना रहे हैं। उसमें एक रूम के लिए सब एक हाउस के लिए 6,50,000 रुपीज कास्ट हो रहा है और 6,50,000 सॉरी आप तो जो है ना 1,50,000 आप दे रहा है, 6,50,000 जो है ना उसका हाउस का कास्ट हो रहा है। कम से कम जो है ना एक फैमिली में बाल बच्चा रहने के लिए एक रूम में जो है ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हम आपको जो है ना आपका माध्यम से जो है ना सब मिनिस्टर को ये बोलना चाहता है, एक तो जो है ना बेनिफिशरी में जो इश्यूज आ रहा है उसको कैसा शॉर्ट आउट करना है। अगर बेनिफिशरी के लिए सर तेलंगाना में हम लोग क्या किया है, पूरा बिल्डिंग्स पूरा हाउसेस कंप्लीट करने के बाद बेनिफिशियरी को पूरा को जो है ना सामने रख के बैठ जाए माननीय सदस्य, उसका जो है ना बेनिफिशियरी को सबको सामने रख रहे हम लोग कलेक्टर का सामने लॉटरी का सिस्टम किया है, उसने बेनिफिशियरी में हम लोग को किसी तरह का दिक्कत नहीं है। हम एक गवर्नमेंट को ये हम रिक्वेस्ट करना चाहता है, लैंड कास्ट को हम लोग जो है ना स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रहा है, डबल बेडरूम को जो है ना पूरा देश में डबल बेडरूम का हाउसिंग का सिस्टम लेके आए, वो गरीब का आदमी भी कम से कम जो है ना बाल बच्चे का साथ जो है ना दो रूम में वो निवास करे। थैंक यू सर। सर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द ऑनरेबल मेंबर दैट द वर्टिकल ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसमें टिपिकली जो घर बन रहे हैं वो एक कमरे के नहीं हैं। मैंने सूरत में जाके देखे हैं, मैंने हैदराबाद में जाके देखे हैं, बात जगह देखे, अक्सर उसमें दो कमरे होते हैं, किचन होता है, हॉल हो ना हो वो प्लॉट साइज पे डिपेंड करता है और उसमें बाकी सुविधाएं भी होती हैं। ये जो कॉस्ट 6.5 लाख की बता रहे हैं उसके बारे में इनको जानकारी देना चाहूँगा माननीय सदस्य को। देखिए लैंड जो है अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप स्कीम वो तो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है और टिपिकली किसी भी आवास में जो जमीन की कीमत है वो करीबन 40-45% होती है। उसके बाद टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट में केंद्रीय सरकार 1.5 लाख देती है पर द स्टेट गवर्नमेंट 1.5 लाख दे या 2 लाख दे, कुछ स्टेट ज्यादा भी दे रही हैं, तो 6.5 लाख जो है कॉस्ट पड़ता है। उसमें एप्लीकेंट जो है वो अपनी तरफ से भी कुछ डालते हैं और मैंने कई ऐसे बने आवास देश भर में देखे हैं, कॉस्ट उसका 6.5 लाख हो पर उसकी मार्केट वैल्यू उस समय 25-30 लाख होती है और इसलिए लाभार्थी बहुत खुश हैं। द अदर पॉइंट आई वॉन्ट टू सबमिट सर, दिस इज अ स्कीम विच वॉज स्केड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड बाई 2022। वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द नंबर्स नाउ। इन द मंथ ऑफ डिसम्बर वी सैंक्शन 6.7 लाख होम्स विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वाउ द स्कीम इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। I don't see any possibility at this stage to raise the center's contribution from 1.5 lakhs upward. And as the honorable member himself has submitted, agar 6.5 lakh awas ki cost hai, jisme zameen state government de rahi hai, aur hum 1.5 lakh de rahe hain, aur baki government, agar labharthi ko ek aisa awas jiski market value 25 lakh hai, usme se 1.5-2 lakh de diya apni savings se, so this fits in with the spirit of the scheme. क्वेश्चन नंबर 64 श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। क्वेश्चन नंबर 64 सर। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द ना असाउद्दीन ओवैसी जी का आपका ये